तो हम बात कर रहे हैं मतलब 26x40 हाउस प्लान की। जैसा कि आप स्क्रीन पर वॉच कर रहे होंगे, इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने उनके कहने पर इस मॉडल को डिज़ाइन किया है। तो जगह है दोस्तों 26x40, मतलब कि 26x40 फीट में। हालांकि मकान जो क्रिएट किया वो मैंने 26x26 में ही क्रिएट किया है, बाकी के स्पेस आपको चारों तरफ छोड़ना है वेंटिलेशन के लिए। तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल और लो बजट हाउस है और आपको मॉडर्न हाउस भी देखने को मिलेगा। तो इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहे स्टूडियो में लगातार। मैं उपन छाकड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने स्मॉल हाउस प्लान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, इससे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान पर आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते हैं, जो आप जब भी घर बनवाएं तो आप एक विजिट ज़रूर करें, जिससे आपको एक आइडिया मिल सके। तो आज का जो मॉडल है 26x40 में उसे डिस्कस करेंगे। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये मात्र 26x26 में ही क्रिएट है हालांकि, और ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आप देख रहे होंगे आगे का, ये 40 फीट में इंक्लूड है और साइड में आपका 3-3 फीट जगह चारों तरफ छूटा है वेंटिलेशन के लिए। तो अब हम आपको पूरा डिस्कस करेंगे इसका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर। तो अगर मैं इसे जूम करके आपको दिखाना चाहें तो आप ये देख पा रहे होंगे, जूम करके मैं इसे दिखाता हूँ जिससे आपको रियलिस्टिक व्यू इसका देखने को मिल जाए। तो ये विंडो वगैरह, डोर वगैरह, ये रेलिंग वगैरह आप देख पा रहे होंगे पूरा। तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर की अगर हम बात करें तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, जो चारों तरफ एक बाउंड्री आपको देखने को मिलता है। स्पेस ये देखिएगा, ये स्पेस, ये मेन डोर है जहाँ से एंट्री करेंगे। फिर आपको एक गुमटी टाइप का मिलता है, ये मेन डोर है और ये विंडो है ग्लास का, इस तरफ भी विंडो है। और ये डिजाइनिंग के पर्पज़ से ब्लैक कलर की मैंने पट्टियाँ लगा रखी हैं। अगर हम साइड की बात करें, इधर भी आपको दो ही विंडो मिलती हैं, पीछे हालांकि एक भी विंडो नहीं दिया। इस साइड भी दो विंडो आपको मिलती है, ओवरऑल बाहर की तरफ 6 विंडो आपको देखने को मिलती है। तो फ्रंट डोर ये है, यहाँ से जैसे एंट्री करते हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक बड़ा सा हॉल मिलता है। इस हॉल के माध्यम से ही आप प्रत्येक जगह जा पाएंगे। सबसे पहले कॉर्नर पर आपको दो बेडरूम मिलेंगे, एक इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर पर। दोनों बेडरूम के बीच में लेट एंड बाथ आपका कंबाइंड है। और साइड में अगर हम बात करें फ्रंट में, ये आपका फ्रंट में सबसे किचन है, जिसमें आपको दो विंडो बाहर से और एक विंडो अंदर से, कुल मिलाकर पूरा ओपन घर आपको देखने को मिलता है। और इधर अगर हम बात करें, इधर आपकी स्टेयर्स है और स्टेयर्स के जस्ट बगल में आपके एक पूजा घर है। तो आपको दो बेडरूम, किचन, लेट बाथ, पूजा घर और स्टेयर्स आपको पूरा ग्राउंड फ्लोर पर देखने को मिलता है। और चारों तरफ से वेंटिलेटेड घर है, क्योंकि यहाँ पर 3 फीट मैंने चारों तरफ जगह छोड़ी है। अगर आप विंडो वगैरह देंगे तो आप कहीं से भी वेंटिलेशन यूज कर सकते हैं। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर हो गया। अगर आगे की बात करें तो ये लगभग 6 फीट से एक्स्ट्रा में, ये आपके डिजाइनिंग के पर्पज़ से कुछ चीज़ें मैंने क्रिएट की हैं जो आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर हो गया आपका 26x26 में। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो जैसे आप स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आएंगे तो सेम मॉडल आपको ऊपर भी देखने को मिलता है, वही दोनों बेडरूम पीछे और बीच में लेट एंड बाथ, इधर पूजा घर और स्टेयर्स, और ये आपका किचन और बीच में आपको हॉल देखने को मिल जाता है। तो ये पूरा मॉडल अगर हम बात करें, ऊपर तक भी मैंने देखी विंडो वगैरह जो दिया है अगलो, सेम टू सेम विंडो, सेम आगे फ्रंट विंडो, ये आपका एक डोर है जो कि ग्लास का डोर है और साइड में भी। अब लास्ट फ्लोर की बात करें तो लास्ट फ्लोर पर सिर्फ 4.5 फीट का लगभग बाउंड्री, और उसमें ये डिजाइनिंग के पर्पज़ से कुछ चीज़ें मैंने क्रिएट की हैं जो आप देख पा रहे होंगे। और आपने अभी फ़िलहाल ये पूरा मॉडल जो मैंने बताया था, ये लंबाई की बात करें यहाँ से 40 है, लेकिन घर जो बना है वो 26 फीट लंबाई, 26 फीट चौड़ाई में, 3-3 फीट एक्स्ट्रा चारों तरफ यहाँ पर मैंने तीनों तरफ छोड़ रखा है। फ्रंट में लगभग 12 फीट जगह आपकी छुट्टी है। तो 26x26 में ये मॉडल पूरा बनकर रेडी होता है। लो बजट जैसा भी आपको लगा हो हमें कमेंट करके बताएं। और दोस्तों मैंने एक पेड सर्विस स्टार्ट की है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। कॉन्टैक्ट करके मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट को समझ करके आपके अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करूँगा, लेकिन वो हमारी पेड सर्विस है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये मॉडल जैसा भी लगा हो आप हमें अपना ओपिनियन ज़रूर दें, और कोई भी रिकमेंडेशन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।